अरे वाह, अली को खा के ना आपको जन्नत के नजारे आ जाने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। आज भाई दिल्ली में मोहन स्ट्रीट पे हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं, शानदार और बहुत ही आइकॉनिक जगह है। भैया जो है ना 10-15 साल से यहाँ पे खाना बेचते हैं, खाना एक ऐसा होगा कि आपके होश उड़ जाने वाले हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या मैंने बहुत तारीफ सुनी आपके खाने की। क्या मतलब कैसे शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत ऐसे, हम तो जॉब करते थे, मनोवाज नहीं, जॉब छोड़े, कुछ नौकरी भी। जॉब छोड़ दी? हाँ जॉब छोड़ दिया था मैंने। अच्छा हुआ, अपना काम करूँ, कुछ सेवा भी हो जाएगा अपना पब्लिक का। अच्छा, इस चक्कर में अपना काम भी हो जाएगा। तो जॉब छोड़े हुए 10-15 साल हो गए। हाँ, पहले किस चीज की जॉब करते थे आप? पहले मैं कई सारे जॉब किया हूँ, लास्ट जॉब मैंने DLF में किया था। DLF में? अच्छा, मॉल में। इम्पोरियो। तो अब अपना काम खोल लिया, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। क्या बात, भगवान की कृपा से सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। तो भाई काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे रखी हुई है, एक एक करके मैं सारी दिखाने वाला हूँ। और भैया क्या एक स्पेशल थाली भी मिलती है ना जी? वो कितने की रहती है थाली? 100 की रहती है। 100 की? हाँ, जिसमें चावल, रोटी, 2 सब्जी, चटनी, सलाद। तो पहले सब्जियाँ चेक करते हैं भैया, सब्जियाँ क्या क्या है दिखा दो एक बार। भाई सब्जी देख लेते हैं, राइस से शुरू करते हैं। राइस से शुरू करते हैं, भैया कह रहे हैं ये देखिए भाई, ये सेला राइस है ना? हाँ ब्राउन राइस। बढ़िया भाई, अब आ जाते हैं। ओ भाई साहब, सब्जियां देख के ना, मटर पनीर, क्या बात है भाई, सब्जियों की रंगत चेक करो आप, इतनी धासु सब्जियां, ये बनात खुद ही बनवाते हो आप? हाँ, ये कारीगर बनाते हैं। क्या बात है, कारीगर रखे हुए हैं। और ये देखिए भाई, ये है शाही पनीर। ओ भाई गजब, बहुत बढ़िया भैया, बहुत धासु। और क्या है सर जी? राजमा। ये देखो भाई, ओए राजमा से खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। खुशबू जो खाओगे आपको उसी में खुशबू आएगा, जो खाएंगे उसी में खुशबू आएगा। आइए और दिखाता हूँ आपको। और दिखाओ भैया, और क्या रखा हुआ है आपने? ये है सब्जी छोले। क्या बात है भाई, छोले चेक करो यार, ये तो एकदम वैसे लग रहे हैं, मतलब छोले भटूरे वाले छोले। ये पार्टी वेयर खाना मिलेगा, पार्टी वाला। ये है चाप, सोया चाप। अरे वाह, बहुत तगड़ा, बहुत रिच खाना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्या है? ये कढ़ी पकौड़ा। ये आप चेक करो, कढ़ी पकौड़ा। ये सारी सब्जियां, 5 सब्जियां हैं। 7 सब्जी रहता है। 5 सब्जी है ना? 7 बाकी कौन सी हैं? आपको 6 दिखा दिया, कोफ्ता है इसमें। अच्छा, इसी में कोफ्ता रहता है? हाँ। अच्छा, ग्रेवी सेम रहती है? ग्रेवी सेम रहता है, कोफ्ता पकौड़ा रहता है। कहाँ है कोफ्ता, जरा चेक कराओ। अभी देखा कहाँ तक। ये है कोफ्ता भाई, ये किस चीज का होता है? ये प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े के होते हैं। प्याज और आलू का मिक्स करके है। रायता भी रहता है। रायता भी है, रहता है। दिखाएंगे कहाँ है रायता भाई, रायता भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए भाई, ये है बूंदी रायता। ये दही से बनाते हो या छाछ होती है? प्योर दही मदर डेयरी का। अच्छा, उसी से बनाते हो। ये कितने रुपए गिलास देते हो? ये 15 रुपए गिलास। 15 रुपए गिलास। तो भाई मैं आपको ना एक बार इनकी रेट लिस्ट दिखा देता हूँ। शाही पनीर, रोटी, मटर पनीर, ये सारे ना रेट लगे हुए हैं, आप खुद चेक कर लो। और थाली का रेट कहाँ है भाई? थाली ये रही। थाली भी है। अच्छा, ये थाली 100 रुपए, हाफ चावल, 4 रोटी, 2 सब्जी रहता है। रहता अलग से। तो सब्जी कोई भी दे दोगे? दो सब्जी आपको जो मर्जी खाना हो ले लो। वो और अगर कोई मान लो 3 मांगे तो? कोई नहीं, खाने में मना थोड़े करते हैं, 3 भी डाल देते हो। हैं, क्या बात है। तो भाई मैं एक बार इनकी ना लोकेशन समझा देता हूँ, आप बोलते हो भाई लोकेशन नहीं बताते। लोकेशन है ये मोहन स्ट्रीट और पिलर नंबर 295 पिलर नंबर, उसके आगे आप खड़े होते हैं। हाँ। भाई दिल्ली जा रहे हो ना फरीदाबाद से, तो एक बार खाना जरूर ट्राई करना। एक बार हम अपनी थाली लगवाते हैं भैया, थाली लगा दो। इस रोड पे लाखों आदमी मुझे जानते हैं चेहरे से। चेहरे से? पंडित जी के नाम। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक चीज और बोलूंगा भैया, जो तिलक लगा रखा है ना आपने, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। रोज लगाते हो? रोज लगाते हैं, डेली बदलते हैं। ओम नमः शिवाय है, डेली चेंज होता रहता है, डेली अलग अलग डिजाइन। क्या बात, अलग अलग डिजाइन में अलग। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो एक थाली लगाओ भैया, थाली लगवाते हैं भाई। और थाली में ना हमें 3 सब्जी देना आप, ठीक है? जो खाना है वो बता दीजिए, वही डाल देंगे। पहले तो राइस डालिए आप, ये आगे जी राइस। और क्या डालना है सब्जी? और सब्जी डाली आप पहले तो, ये पनीर है, शाही पनीर? ये मटर पनीर है। मटर पनीर डाल दो। ये आ गया जी मटर पनीर हमारा। राजमा दे? हाँ राजमा दे दो। ये देखिए भाई राजमा, क्या बात। और दूसरी सब्जी?
और कोफ्ता दे दो भाई। थाली ना सब्जियां इनकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आपको मजा आ जाने वाला है। एक हम कोफ्ता भी ले लेते हैं। ये आ गया जी कोफ्ता, बहुत शानदार। और कौन सी भैया? वैसे मैं आपको बता दूं ये दो सब्जी देते हैं, बट हमारी डिमांड पे छोले भी डाल रहे हैं। ये देखिए भाई छोले आ गए। इसमें क्या डालते हैं? चटनी प्याज, चटनी सलाद। अच्छा। अभी आप जगह इसमें नहीं रहेगा। हाँ जी हाँ जी, चाहिए तो आप ले लेना मेरे। ठीक है ठीक है। तो भाई ये सलाद आप देख लो, इनके पास ना प्याज व्याज जो है कटा रखा हुआ है पहले से ही, और ये चटनी वगैरह भी डालते हो। ये चटनी किस चीज की है? चटनी भी दही की बनती है, पुदीना रहता है। अच्छा। पालक रहता है और बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, धनिया रहता है। बहुत बढ़िया भाई। ये आगे रोटी, ये रोटी पैक रहती है? पैक ही रहता है। गरम? अभी तो गरम है, अभी दो घंटे। कितने कौन बनाता है ये रोटियां? आप कारीगरी? हाँ रोटी बना हुआ। तो कारीगर को सिखा रखा है पूरा कैसे बनाना है क्या करना है। भाई ये देखो, ये वो थाली है जो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की है, और भाई इस थाली को खा के ना आपको जन्नत के नजारे आ जाने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल है। रायता दे? हाँ रायता भी चाहिए भैया, रायता तो चाहिए चाहिए। तो भाई यहाँ पे हमारी 100 रुपए वाली थाली आ चुकी है, आप इधर आइए। ये देखिए, ये है इनका भाई शाही कोफ्ता। कोफ्ते में देखेंगे बड़ा सा पकौड़ा दिया है इन्होंने, और ग्रेवी बहुत जबरदस्त लग रही है। साथ में ये है मटर पनीर, पनीर चेक कर लो बड़ा सा पीस है भाई। राजमा इनके चेक करोगे ना, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, जबरदस्त। और मेन चीज़ है इनके छोले भी बहुत दासू हैं। अब ये देखिए आप कमाल, रोटियां ना ये ऐसे पैक करके लाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 चार रोटी मिलती हैं हमें, घर वाली तवे वाली रोटी मिलती हैं। तो भाई बारी आ जाती है अब सामान चेक करने की, अब आप इधर आ जाइए। सबसे पहले ना छोले चेक करेंगे, साथ में प्याज लेंगे। भाई इधर आओ, अब आती है बारी कोफ्ते की। ये लिया जी कोफ्ता, साथ में लीजिए प्याज, अब खाएंगे। भाई खाना ना एकदम गजब है भाई, ऐसे ही ना 10 सालों से यहाँ पे टिके नहीं हुए, शानदार धुआंदार। थोड़े से राजमा भी चेक कर लेते हैं, राजमा देखो भाई एकदम गाढ़े गाढ़े हैं। ये देखो भाई, भाई मामला ना एकदम सॉलिड है, खटास मामला है। यहाँ जब भी जा रहे हो एक बार इनकी थाली जरूर ट्राई कर लेना, राइस प्लेट ले लेना, कोई भी सब्जी खा लेना, एक नंबर है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।